मिलती नहीं खुशी बाजार में, लोग कम मिलते हैं संसार में। नो 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 मैं नहीं मानता, तुम जो चाहो वो मिलेगा, लाइफ में मजा आगे रहेगा, सिर्फ करना है तुमको एक ट्राई। जी एक बार फिर से एक नए व्लॉग के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के व्लॉग का मेरा जो मोटिवेशन पर जो एक टोकन है वो क्या है, वो है ये बोया का नया माइक। और जो है इसकी वीडियो मैंने बना ली है, इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने बना ली है और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही साथ मेरा बर्थडे व्लॉग भी पेंडिंग है, उसकी भी एडिटिंग करनी, वो भी आपके साथ शेयर करना है। उसके साथ एक नया मज़ेदार सा व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे हर व्लॉग को आप लोगों ने पसंद किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे 90s के शोज़ पे जो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ वो आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो इसलिए मैं एक और नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। ओके सो दैट्स इट टुडे गाइस। दोस्तों 90s के ज़माने में जो हम लोग सुपर नेचुरल शोज़ देखा करते थे, सुपर पावर शोज़ देखा करते थे, उन सारे सीरियल्स में जब हम बच्चे हुआ करते थे तब के ज़माने में भी हमारा कोई ना कोई क्रश हुआ करता था, हर सीरियल में से कोई एक या फिर कोई दो। तो उन्हीं क्रश को याद करते हुए, क्योंकि मेरे बचपन के भी 90s के शोज़ के बहुत सारे क्रश थे कि मैं दिल करता था, मैं अपने दोस्तों से जिक्र करती थी और वो मुझसे जिक्र करते थे कि यार हमें ये पसंद है, हमें ये कैरेक्टर पसंद है, हमारी अगर शादी होगी बड़े होकर तो इसी के जैसे किसी से करेंगे या फिर हम इसके जैसा ही बनना चाहते हैं। तो मतलब बच्चे भी जो हैं वो अपने बचपने में हम सब लोग, मैं और आप, दीवाने हुआ करते थे उन क्रश के। तो उन्हीं कुछ क्रश को जिक्र करने के लिए मैं ये व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, तो शुरू करते हैं। तो मैंने अपने लैपटॉप पे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, मैंने ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन गूगल से निकाली है और विकिपीडिया का इस्तेमाल करते हुए निकाली है। तो अगर कुछ गलत हो जाए तो मेरी तरफ से स्टार्टिंग में ही माफ़ी मांग रही हूँ, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरी अपनी नहीं है, ये मैंने अपना लैपटॉप सामने रखा हुआ है, तो ये इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया से ली हुई है और गूगल से ली हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा ये वीलॉग। और मुझे बहुत पर्सनली पसंद है 90s के शो पे वीलॉग जब भी बनाती हूँ, इसलिए भी क्योंकि वो मेरे फेवरेट, मेरे बचपन का ज़माना, अनफॉरगेटेबल ज़माना। और उसके बाद फिर आप लोगों के जब व्यूज़ आते हैं तो वो मुझे बताते हैं कि आप लोगों को भी मेरी ही तरह क्रेज़ है, वो शोज़ वो सब यादें अभी भी आपके दिल दिमाग में उतनी ही ज़्यादा एक्साइटमेंट मचाती हैं, वो बचपन का जो बच्चा होता है ना अंदर का वो जाग जाता है। तो शुरू करते हैं और जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा क्रश कौन था बचपन का 90s के शोज़ का। और मेरे दोस्तों के आसपास के जो मोहल्ले के बच्चे होते थे हम लोग, तो जब हम लोग खेला करते थे तो हम लोग किसका जिक्र किया करते थे और उन्हें कौन पसंद आता था। तो मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहिएगा। सबसे पहला शो जो मैं शुरू करूँगी, एज़ यूजुअल मेरी कोई इश्यू को ही है कि जो वीडियो मैंने बनाई थी उस पर बहुत सारे व्यूज़, 47-48 के व्यूज़ उस पर माशाल्लाह आए हैं। वो अलग बात है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, सिर्फ देख कर चले गए हैं, बट नेवर माइंड, आप लोगों ने देखा और उसको इतना ज़्यादा सराहा है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो सबसे पहले कोई है की बात करूँगी, तो कोई है जो है वो स्टार वन पे ऑन एयर होता था। यार मुझे स्टार प्लस याद आ रहा है लेकिन मुझे गूगल दिखा रहा है स्टार वन पे आया करता था कोई है का जो शो था। और ये जो है 2001 में प्रीमियर हुआ था, 3 सीज़न तक ये चला है, 2010 में ये जो है आखिरी सीज़न इसका आया था। और नो डाउट इसके सारे ही कैरेक्टर हमारा क्रश थे, जो लड़कों का बचपन में छोटे बच्चों का क्रश हुआ करती थी, नो डाउट बिजली हुआ करती थी, आप भी जानते हैं मैं भी जानती हूँ। तो बिजली यानी कि जिसका असली नाम नेहा देवी सिंह है, वो होती थी बचपन में हम सब बच्चों का क्रश, इवन लड़कियों का भी होती थी। और बहुत खूबसूरत, नाजुक सी, और जो है बाल इसके मुझे बड़े पसंद आते थे क्योंकि मेरे शुरू से बाल जो हैं वो वेवी हैं, तो मुझे सिल्की बाल अट्रैक्ट करते हैं। और इसका हेयर स्टाइल मुझे बहुत पसंद आता था। और जो लड़के होते थे हमारे दोस्त जो होते थे मोहल्ले में खेलते थे, वो कहते थे कि हमें जो है ना इसके जैसी ही वाइफ चाहिए, हमें जो है ना इसके जैसे ही लड़कियाँ पसंद है। तो बिजली का जो टोटल कैरेक्टर है वो बड़ा खूबसूरत दिखाया गया, मतलब उसको सुपर नेचुरल पावर उसको पास दिखाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी देर इज़ अ नाजुक एलिमेंट इन हर पर्सनैलिटी जो कि उसको यूनिक बना रहा था और काफ़ी अट्रैक्टिव, बहुत प्यारी थी। और जो है इसी कैरेक्टर की वजह से ये इतनी मशहूर हुई थी। और जो है इसमें दिखाया गया, इसमें बताया गया गूगल पे कि फॉर नाउ शी इज़ 41 ईयर्स ओल्ड। जी हाँ, और हिंदुस्तानी टेलीविज़न की हिस्ट्री में ये वो पहली लड़की थी जिसने एक्शन हीरोइन के तौर पे काम किया है किसी भी सीरियल में।
इसके बाद नो डाउट मैंने पहले भी अपने पहले वाली कोई है की वीडियो जब बनाई थी तब भी इनकी तारीफ करी है। लिली का कैरेक्टर जिन्होंने किया है, बहुत सारी लिली आई हैं, लेकिन जो सबसे पहले वाली लिली थी जिनका असली नाम सोनाली मल्होत्रा है, मुझे इनकी एज के बारे में नहीं मिला विकीपीडिया से, मैंने इतना ऑनेस्टली सर्च नहीं करा विकीपीडिया के अलावा, आप लोगों को पता हो तो मुझे बताना। और मैं इनके बारे में क्या कहूँ, मैंने पहले व्लॉग में भी कहा था शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, जितनी भी लिलीस आई हैं मेरी फेवरेट है। और मेरे आसपास में जो बच्चे हुआ करते थे उनका भी ये कहना था कि ये कितनी प्यारी सी नाजुक सी लग रही है, मतलब एक फ़नी एलिमेंट भी था इनके कैरेक्टर में और सबका क्रश भी थी, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज़ माशाल्लाह वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। और उसमें तो ऑब्वियसली विकराल की सेक्रेटरी का किरदार अदा कर रही थी उस ड्रामे में, और यंग भी हुआ करती थी उस टाइम तो जो अट्रैक्शन हुआ करती थी इनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में वो बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी, आई कैचिंग होती थी। खाली बच्चे ही नहीं बड़े भी जो है, मैंने उनसे भी ये सुना था कि शी इज़ सो ब्यूटीफुल। इवन अपनी अम्मी से अपनी बहनों से भी ये सुना है कि ये जो है ना, ये वाली लिली जो है ना, इसकी रिप्लेसमेंट कोई और नहीं हो सकती। देन अगेन आ जाते हैं इसी ड्रामे के एक और कैरेक्टर पे, द हीरो ऑफ द शो विकराल। और विकराल का कैरेक्टर और भी किसी ने अदा किया है, उसके बारे में बाद में बात करूँगी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट विकराल जिनका असली नाम हरमीत मामिक सिंह है, हरमीत सिंह मामिक है मेरे ख्याल से, ये सही अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरी करेक्शन कर दीजिएगा अगर मैंने गलत बोला तो नीचे कमेंट्स में। एंड अकॉर्डिंग टू गूगल ही इज़ नाउ 59 ईयर्स ओल्ड। और उस ज़माने में जो इनके पर्सनैलिटी में जो चार्मिंग थी, ओ माई गॉड, इन्होंने बहुत मशहूर फिल्मों में भी काम किया, जो जीता वही सिकंदर में इनका कैरेक्टर हम भूल नहीं सकते, और भी क्या कहना मूवी, और मतलब साइड रोल्स इन्होंने किए हैं, बट जो मशहूरी इनको मिली है वो इस ड्रामे की वजह से ज़्यादा मिली है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सराउंडिंग्स, जी माजरत के साथ सॉरी, मेरे मोबाइल की स्पेस थोड़ी सी लो है तो इस वजह से मुझे मोबाइल पहले खाली करना पड़ा और फिर मैं वापस आई हूँ अपनी तरफ। तो बात हो रही थी हरमीत सिंह मामिक के बारे में, जो कि 59 इयर्स के हैं और काफ़ी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। और जो है विकराल का कैरेक्टर सलील अंकोला ने भी निभाया है, लेकिन मुझे पर्सनली जो है वो मामिक सिंह जो है, और मुझे क्या काफ़ी लोगों को मामिक सिंह क्योंकि उन्होंने जो है एक पहचान दी है इस कैरेक्टर को, बहुत पसंद आया। और बात हो रही थी क्रश की, तो डेफिनेटली अगर मुकाबला किया जाए तो मुझे लगता है क्योंकि मामिक सिंह जो है उन्होंने पहली दफ़ा इसका किरदार निभाया था, विकराल के किरदार को पहचान दी थी, तो दैट्स वाई आई थिंक ही इज़ वेरी मच फेमस और बहुत सारे लोगों का क्रश है वो। और सलील अंकोला भी नो डाउट बहुत सारे लोगों का क्रश है, लेकिन जो मेरे सर्कल में जो मुझे ज़्यादातर लोग मिले हैं वो मुझे मिले हैं इनके चाहने वाले, और डेफिनेटली लड़कियां उसमें ज़्यादा हैं जो कि ये चाहती थी कि हम बड़े होकर इनसे शादी करें, और जो है इवन कुछ यंग लड़कियां भी थी जो कि कहती थी कि हमें इस जैसा लड़का चाहिए। तो ये मेरे बचपन की बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एंड आई एम अमंग दोज गर्ल्स, क्योंकि अभी भी विकराल के कैरेक्टर को हरमीत सिंह मामी के कैरेक्टर को बहुत पसंद करती हैं। जी तो नेक्स्ट जो हमारा शो है वो है शरारत। जी हाँ, खट्टी मीठी सी यादें देकर जाने वाला, जिसमें बड़ों को भी बच्चों वाले काम करते हुए दिखाया गया, बच्चों से शरारतें करते हुए दिखाया गया, बहुत ही क्यूट सा शो। हम सबकी यादें इससे बहुत कीमती यादें जुड़ी हुई हैं। इसमें जो सबसे पहला मैं रैंक दूंगी इन टर्म्स ऑफ क्रश वो थी पैम परमिंदर, काफ़ी नटखट सी नकरीले अंदाज वाली, बट इट्स ओके, लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं यार, तो आई थिंक दैट्स वाई जो मेरे आसपास में सराउंडिंग में जो नकरीली लड़कियाँ थी ना वो इसको बाकायदा कॉपी करती थी, और जो लड़के थे वो तो उसके दीवाने थे। आई मीन हम लोग अपने सराउंडिंग में लड़ते भी थे कि भाई तुम्हें नेगेटिव कैरेक्टर क्यों पसंद आ रहा है, वो तो अच्छी नहीं है, वो तो गंदी है, वो तो जो है जिया को जो है ध्रुव से दूर करने के तरीके ढूंढती है, बट स्टिल मेरे सराउंडिंग में ऐसे लोग थे जो कि कहते थे कि किरदार को छोड़ो, जो कर रही है वो करने दो, लेकिन पर्सनैलिटी जो है वो उनके लिए सब कुछ होती थी। तो बहुत सारे लोगों का, मेरे आसपास के लोगों का ये जो होती थी ये क्रश होती थी। और इनका असली नाम सिंपल कॉल लूम्बा है अकॉर्डिंग टू गूगल, और मुझे आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों में जैसे कितने लोग हैं इनके बचपन का ये क्रश होती थी, और वो भी यही कहते थे कि नेगेटिव है तो डोंट माइंड, बट स्टिल आई एडमिटेड कि इसकी पर्सनैलिटी उस टाइम भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, और आज तो डेफिनेटली एडमायर करती हूँ कि इसने जो विलन कैरेक्टर है उस पर इनको अवार्ड भी मिला था
शरारत जो कि स्टार प्लस पर ऑन एयर होता था 2003 से 2006 के दरमियान, तो उस टाइम पे जो स्टार प्लस के अवार्ड होते थे, स्टार परिवार अवार्ड, उसमें इनको अवार्ड भी मिला था और जो है काफ़ी खुशी हुई थी क्योंकि इन्होंने एक अलग पहचान दी थी एक फीमेल विलन करेक्टर को। 2003 से 2006 के दरमियान ऑन एयर होने वाले शो शरारत की अगर मैं बात करूँ तो इसकी हीरोइन जिया जो है वो किसी से कम नहीं थी, वो किसी से पीछे नहीं थी, बहुत सारे लड़कियों को दीवाना बना के रखा था उन्होंने, जो कि बच्चे बड़े सब थे उसमें। जो जिया जो हैं यानी कि श्रुति सेठ आज भी मीडिया का बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे शोज़ को होस्ट करती रहती हैं, फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है, काफ़ी मशहूर शख्सियत के साथ आई हैं ये और आती रहती हैं। 45 ईयर्स की अब एज है इनकी अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ। तो श्रुति सेठ जो कि जिया का करेक्टर अदा कर रही थी और इनसे हर जादू गलत हो जाता था, वो जो एलिमेंट होता था ना ड्रामे का वो बहुत मज़े का होता था, वो नो फिर से मेरा जादू जो है वो गलत हो गया, फिर वो नानी आती थी फिर वो उनका जादू सही करती थी। तो जिया के करेक्टर को काफ़ी सिंपल दिखाया है, फैशनेबल ज़्यादा नहीं दिखाया है, बहुत सीधी सादी बोली वाली लड़की दिखाया है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोगों का ये भी क्रश होती थी। तो क्या आप भी वो थे कि जिनका क्रश जिया होती थी कि नहीं? के नाउ कम्स द हीरो ऑफ द शो करणवीर बोहरा, ध्रुव का कैरेक्टर अदा कर रहे थे ये इस ड्रामे में और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया ही इज़ 40 ईयर्स नाउ। जी हाँ, गूगल के अकॉर्डिंग जो हीरो था शरारत का वो हीरोइन से 5 साल छोटा था। और जो है करणवीर बोहरा भी अभी भी हमारे मीडिया का, टेलीविज़न इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है, रियलिटी शोज़ में आते रहते हैं अपनी वाइफ के साथ, उनकी वाइफ का नाम मैं भूल गई हूँ, नजबलिए में भी पार्टिसिपेट किया है इन्होंने, मूवीज़ भी बहुत सारी करी हैं इन्होंने भी। और नो डाउट यार मेरा बहुत बड़ा क्रश था ये बंदा जो है उस ज़माने में, अब तो खैर ज़ाहिर टेस्ट बदल गया है एज के साथ साथ, वो खुद भी बदल गए हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद थे, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी लगती थी, मुझे लगता था कि यार काश ज़िंदगी में एक दफ़ा इनसे मिलूं। मतलब मैं एक तरीके से बचपन में ही कहते ना दीवानी हो गई थी इनकी, और मुझे लगता था कि नहीं नहीं मुझे शादी करनी तो मुझे ऐसे किसी लड़के से करनी है, इसी तरीके की पर्सनालिटी होनी चाहिए उसकी। और जो है ना मेरे साथ और भी मेरी दोस्तें थीं जो सराउंडिंग में लड़कियां थीं उनको बहुत पसंद आता था ये, और जो मोहल्ले के बच्चे होते थे ना वो बड़े जलते थे हम लोगों से कि भाई ऐसा क्या है इसमें, क्यों इसमें ऐसा क्या है। लेकिन हाँ नो डाउट बहुत अच्छी पर्सनालिटी और अवार्ड भी जीते हैं इन्होंने यार, अगर मुझे याद हो, मुझे वैसे याद तो नहीं होगा, डेफिनेटली 2000 की बात है, 2003 2006, बट यस मुझे बहुत पसंद थे और अच्छी पर्सनैलिटी। तो आते हैं नेक्स्ट सीरियल की तरफ, नेक्स्ट क्रश की तरफ, हातिम सीरियल किस किस को याद है, किस किस का फेवरेट है, किस किस ने इसको पूरा देखा है? बहुत शॉर्ट टाइम के लिए सीरियल ऑन ईयर आया था और इसको राहिल आज़म ने, राहिल आज़म इज़ स्टिल माई क्रश टू बी वेरी ऑनेस्ट। राहिल इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश कि तुम ये वीडियो देखो और पाकिस्तान से मेरी तरफ से सलाम, और अभी भी आप मेरे क्रश हैं, आपकी पर्सनैलिटी कोई चेंज ही नहीं आया, मतलब बंदा बूढ़ा होता है, इतने सारे स्टार्स का जिक्र किया उनमें चेंज आता है, आपकी पर्सनैलिटी मतलब दिन ब दिन निखार आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह दिन ब दिन आप जो हैं वो जवान ही होते जा रहे हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी भी माशाल्लाह राहिल हमारी मीडिया इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, हिस्सा है, और इन्होंने अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन करके रखा है ना कि ये उस ज़माने में भी मेरे क्रश थे मेरे साथ सराउंडिंग वालों के और आज भी हैं। और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया गूगल ही इज़ 44 ईयर्स नाउ। और अगर आप लोगों को याद हो कि सोनी टीवी पर अचानक 37 साल के बाद एक सीरियल आता था, इसमें इन्होंने अजिंक्या का रोल किया था और वो भी बड़ा पसंद किया गया था। राहिल आज़म ऐसे करेक्टर्स में काफ़ी सराहे जाते थे, और हातिम के करेक्टर की जब मैं बात करूँ तो अलग ही मतलब चार्मिंग आ गई थी इनकी पर्सनैलिटी में। तो हातिम सीरियल जो है वो सिर्फ 1 साल के लिए 2003 से 2004 तक ये जो है सीरियल आया था, और जो है इसमें 7 सवालों के जवाब हल करने होते हैं इन्होंने, उसमें नजूमी होता है, उसमें दज्जाल होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग शो था। मैं तो बाकायदा जो है ना अपना होमवर्क वगैरह करके जो है ना रैपअप करके सब चीज़ें छोड़ छाड़ के मैं बैठ जाती थी कि भाई ये टाइम होने वाला है, ये सीरियल आने वाला है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो इसमें एक हातिम की जो हीरोइन दिखाई है जैस्मिन, उनका रियल नेम है पूजा रावल, पूजा रावल अगर मैं सही नाम ले रही हूँ, तो अगर नहीं ले रही हूँ तो जिस जिसका भी नाम गलत लिया है मेरी तरफ से माजरत, प्लीज़ उसको कमेंट में आके सही कर देना। पूजा रावल जो जैस्मिन का किरदार अदा कर रही थी यार कितनी खूबसूरत, वाकई में उसको शहजादी दिखाया है, वाकई में वो परी लग रही है, जिस कदर मुझे बहुत प्यारी लगी, वो मेरा वो भी क्रश थी, बहुत ही खूबसूरत उसको दिखाया है, और आसपास के जो बच्चे थे उनका तो क्रश थी ही। तो ये हीरो हीरोइन जो है वो इस ड्रामे की जान होते थे। हातिम
और जैस्मीन, इन दोनों ने मिलकर इस ड्रामे में जो जान डाली थी, इनकी पर्सनालिटी की जो खूबसूरती ने जो रौनक बख्शी थी इस ड्रामे को, वो अलग ही लेवल था। हाँ जी, थक गए, बोर हो गए, या फिर मैं और भी लोगों का जिक्र करूँ? लिस्ट तो बड़ी लंबी चौड़ी है मेरे पास, तो क्या ये वीडियो दो सेशन में बनाऊँ या फिर आज ही कर दूँ? चलो आज ही कर देती हूँ, बाकी के लिए और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स पड़े हैं जिनका जिक्र आप लोगों से करना है। तो मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट टारगेटेड क्रश जो था बच्चों का, हम सब का, वो था अमन वर्मा। आज भी मशहूर हैं, आज भी इंडस्ट्री का पार्ट हैं, और ये भी भाई मुझे नहीं पता कैसे आप लोग इतना मेंटेन रखते हैं उम्र के साथ, अपने आप को इतना ग्लो करते जाते हैं आप लोग। मतलब लोग बूढ़े होते हैं, आप जवान होते जाते हैं। एंड ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि नोबडी कैन गेस हिज एज, ही इज 51 ईयर्स ओल्ड अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, मैं बार बार बोल रही हूँ। और खुलजा सिमसम के ये होस्ट थे, खुलजा सिमसम में मतलब लोग आते थे, इनाम जीतते थे, सवाल पूछे जाते थे, और जो है उसमें सेलिब्रिटीज़ को ये बुलाते थे ये, और काफ़ी मज़ेदार सा शो था, गेम शो था। और इसके 3 सीज़न आए थे, 2001 में ये ऑन एयर हुआ था अमन वर्मा के हाथों, देन इसका 2nd सीज़न हुसैन ने किया, हुसैन जो कि इंडियन टीवी आर्टिस्ट एंड ड्रामा आर्टिस्ट हैं। और उसके बाद जो 3rd सीज़न है वो दोबारा 2012 में अमन वर्मा ने ही किया, और दैन फिर ये ड्रामा वापस ऑन एयर नहीं हुआ। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मेरी नहीं है, ये भी मुझे गूगल से ही निकाल के, जो है ना, गूगल साहब ने दिए हैं, ऑफकोर्स मैंने खुद ही निकाली हैं। तो अमन वर्मा जो हैं बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम पर्सनैलिटी के मालिक, मेरी अम्मी बहुत पसंद करती हैं, मेरे घर वाले बहुत पसंद करते हैं, हम सराउंडिंग में हम बच्चों के भी बहुत ज़्यादा जो है ना क्रश था। हम सोचते थे काश हम लोग भी इंडिया जाएं और इनके शो का पार्ट बने और बहुत कुछ वहाँ से जीत कर आएँ, और जो है ना जस्ट बिकॉज ऑफ अमन वर्मा। सो बहुत अच्छे, और बहुत ही सारे लोगों का इंक्लूडिंग मी ये क्रश थे और क्रश हैं। अमन वर्मा की एज अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया इज़ 51 ईयर्स ओल्ड, कैन यू बिलीव इट? आई डोंट बिलीव इट। 2004 में हमारा एक और सुपर हीरो आया, और उसको बहुत सारे बच्चों ने फिर से दीवानों की तरह मोहब्बतें दी, प्यार दिया, और वो था कर्मा। कर्मा जिसमें जो है, कर्मा का नाम जो एक आम इंसान के रूप में जब वो आता था तो उसका नाम करण था, और करण जो ड्रामे का कैरेक्टर है उसका असली ज़िंदगी का नाम है सिद्धार्थ चौधरी, जो कि 46 ईयर्स ओल्ड हैं अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। तो सिद्धार्थ चौधरी जो हैं वो भी अभी तक ऑलमोस्ट वैसे ही लगते हैं, और कर्मा जो है ना, मतलब मेरी जो दोस्तें हैं उन्हें इतना पसंद था, इतना ज़्यादा क्रश था। ऑफकोर्स एक के बाद एक अच्छे जो ना उस ज़माने में सीरीज चली हुई थी सुपर हीरोज़ के शोज़ की, और बच्चे बहुत सराहते थे, वो ज़माना सुपर पावर शोज़ का ही होता था। हमारा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो कर्मा था वो, मैं भी ये सोचती थी, मैंने कहा जब मैं बड़ी हो जाऊँगी और मुझे जो है ना कोई लड़का चाहिए होगा ना, मैं कर्मा जैसे ही ढूँढूँगी, इसके पास इतनी अच्छी पावर्स हैं और इसके पास इतनी खूबसूरत और हैंडसम पर्सनैलिटी है। बट ऑफकोर्स बच्चे थे तो कुछ भी सोच लिया करते थे, लेकिन नो डाउट सिद्धार्थ चौधरी जो हैं अभी भी कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाते हैं, कुछ झलकियों में रहते हैं। और अगर इनका कोई अभी भी शो आ रहा हो, मुझे नहीं पता, सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, नो मेरे ख्याल से ये स्टार प्लस पे आई गेस ऑन ईयर होता था ड्रामा, और शॉर्ट टर्म के लिए ऑन ईयर हुआ था ये, जिसमें इनको सुपर पावर इनके दादाजी दे देते हैं, 7 सितारों की 7 सुपर पावर इनको मिलती हैं। और जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग इस शो को दिखाया गया है, और जो है मैंने तो बल्कि कोशिश करी थी कि मैं कर्मा का जो सूट है, जो ये यूनिफॉर्म पहनता है, जो ये चश्मा लगाता है क्रिश की तरह, इनका भी चश्मा था, क्रिश का तो खैर अभी आया है उनका उस ज़माने में था, तो मैंने जो है ना अपना गोल्डन मार्कर उठा के जो है ना मैंने बहुत सारे स्टार्स लिए, उसको कलर किया, मैंने वो पहना, और बस इनका यूनिफॉर्म नहीं बना पाई यार, बच्ची थी कैसे बनाती। तो काफ़ी इस हद तक मैं इनसे इंस्पायर थी, मतलब इन्होंने जो है कर्मा के कैरेक्टर को ऐसा किया कि हर बच्चा जो है ना, इवन कर्मा के मास्क इंट्रोड्यूस हो गए, कर्मा की जो तलवार थी वो इंट्रोड्यूस्ड हो गई, मतलब बच्चों को जो है ना वो कार्ड मिलने लग गए, ईद कार्ड का ज़माना था, ईद कार्ड मिलते थे, तो कर्मा के कार्ड मिलते थे हमें 2 रुपये 3 रुपये उस ज़माने में। तो ये इस कदर जो है ना इनका इम्पैक्ट पड़ा था हमारी सोसाइटी के ऊपर, और फिर आखिरकार एक ज़माना आया, ड्रामा ख़त्म हो गया। अगला सुपर हीरो हम में से किसी के लिए भी नया नहीं है, तकरीबन जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों ने इसको जो है देखा है, पसंद किया है, शक्तिमान, द ग्रेट शक्तिमान, जिनका जो है असली नाम मुकेश खन्ना है, जो कि शक्तिमान ड्रामे के प्रोड्यूसर भी खुद ही थे अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और 63 ईयर्स ओल्ड हैं अभी ये। और जो इनका ड्रामा था वो किस चैनल से आता था, मुझे ZTV याद पड़ा है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं गलत हूँ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि ये ड्रामा
किस चैनल पे जो है ऑन ईयर होता था, और इस ड्रामे का जो साल था वो 1997 से 2005 तक था। तो शक्तिमान अगर अभी हम लोग देखें, हाँ तो मैं क्या कह रही थी, सॉरी मेरे मोबाइल की स्पेस ख़त्म हो जाती है, मुझे लैपटॉप में डालनी पड़ती है वीडियो, फिर मोबाइल में स्पेस बनती है, फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। इसीलिए कहते हैं सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे प्यारे 90s के साथियों, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करो, मैं वो यादें ताज़ा कर रही हूँ, मुझे भी मज़ा आ रहा है, तुम्हें भी मज़ा आ रहा है। तो सब्सक्राइब करने में, अपने हाथों को थोड़ी तकलीफ देने में क्या जाता है यार, मुझे फ़ायदा दे दो, प्लीज़ को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा चैनल चलता रहे और तुम लोगों को मज़े मज़े की वीडियोज़ मिलते रहें। हाँ तो मैं क्या बात कर रही थी, मैं कह रही थी तो शक्तिमान अगर मैं आज देखती हूँ, उसकी सीरीज़ तो नहीं, कुछ शोज़ उसके अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे हंसी आती कि यार हम इन चीज़ों पे इतना इंस्पायर हो जाते थे, मतलब वो हवा में उड़ा है, मतलब उस ज़माने में ग्राफिक्स वो भी बहुत थे, उस ज़माने में इतनी तरक्की नहीं करी थी ग्राफिक डिज़ाइनर्स ने, लेकिन नो डाउट अभी देखो तो हैरानी होती कि उस ज़माने में भी अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर्स थे। बट यस, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब जाके लगता है कि ये तो फेक है, मॉन्स्टर्स आ जाते थे उसमें वो भी फेंकते, आसमान से कोई बिजली गिर जाती थी, अब पता चल जाता है कि यार ये तो साफ पता चल रहा है कि नकली है। लेकिन जो शक्तिमान के अपने असली हीरो हैं, उन्होंने उसमें बड़ा किरदार अच्छा अदा किया है उस ड्रामे को, नो डाउट उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये सिर्फ शक्तिमान में जो हमारे मुकेश खन्ना साहब हैं वही कर सकते थे। सर हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत अच्छा इस किरदार को निभाया है, हमारे बचपन में हमें बहुत अच्छा कैरेक्टर एक आपने दे दिया जिसने हमारे बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया, और हम लोग बाकायदा इंतज़ार किया करते थे इस ड्रामे के आने का। और जब ये ड्रामा आता था तो हम लोग जो हैं बाकायदा अपना खेल विल रैप अप करके जो है ना, बल्कि ट्यूशन वाली मिस से भी हम लोग कहते थे कि मिस शक्तिमान ऑन ईयर होने वाला होगा तो हमें जो है जाने दें, और जो है ना जब नहीं जाने दिया जाता था या फिर घर में कोई फंक्शन होता था और हम ये ड्रामा नहीं मिस करते थे तो फिर हम इसको रिपीट में देखा करते थे। मुझे चैनल याद नहीं आ रहा, मुझे चैनल ज़रूर बताना कि ये कौन से चैनल पे ऑन एयर होता था। साल 2003 की अगर मैं बात करूँ तो एक ड्रामा हम लोगों के माइंड में आ जाता है, अगर आप लोगों को साल के सात ड्रामे याद हैं तो करिश्मा का करिश्मा, जो कि कॉपी था एक इंग्लिश वर्जन ड्रामे की, लेकिन बहुत मज़ेदार और फन और एंटरटेनिंग ड्रामा था। तो इस ड्रामे में जो शीतल का किरदार, जो करिश्मा और राहुल की माँ का किरदार जिन्होंने अदा किया है, उनके बहुत सारे जो है ना चाहने वाले हैं, वो बहुत बड़ा क्रश होती थी मेरे ज़माने में आसपास के लोगों का। अब फिल्मों में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है, गोविंदा के दौर में इन्होंने काम किया है। वो ड्रामा, वो गाना तुम लोगों को याद है, वो जो गाना था आंटी नंबर वन, उसमें जो गोविंदा आंटी बनके डांस कर रहा होता उस गाने में ये पाई गई हैं, और काफ़ी फिल्मों में इन्होंने अभी भी ये आती रहती हैं। और मेरी तब से अब तक मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उनकी पर्सनालिटी की, इनके मेकअप लुक की, इनके जो है ना तीखे तीखे से इनके जो नैन नक्श हैं, जो ओवरऑल पर्सनालिटी में जो अट्रैक्शन है ना, वो एक अलग ही लेवल की थी उस ज़माने में। तो ओ माय गॉड, क्या लगती थी ये साड़ी पहन के, मतलब जो उनकी पर्सनालिटी थी वो और निखर के आ जाती थी, और अभी भी ये नो डाउट वैसी ही हैं। थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया, उस ज़माने में पतली दुबली होती थी तो और भी लोग जो है ना इनके दीवाने होते थे, और आई मस्ट से कि शी इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो इनकी एग्जैक्ट एज तो मुझे नहीं मिल पाई विकिपीडिया या गूगल से, बट इनका नाम ईवा ग्रूवर है, और ये राहुल की मम्मी का किरदार अदा कर रही थी, और जब भी मैं ड्रामा देखती थी ना मैं इनकी फ़ैन हो जाती थी इनके तरह से, बल्कि मैंने दो तीन दफ़ा कोशिश भी करी कि साड़ी पहन के देखूं, और जो ना मैं जो ना बाल तो मेरे उस ज़माने में बड़े नहीं थे तो मैं जो ना टॉवल पहन लिया करती थी। और मैं अगर क्या कहूँ यार, इनकी पर्सनैलिटी में ना एक कम्प्लीट लुक जिसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज़ फ्रॉम वन ऑफ दोज पीपल। एक परी की टाइप की जो पर्सनालिटी होती है ना, वो इनके अंदर जो एक नाजुकी है ना वो भरी पड़ी थी, और नो डाउट सिर्फ मैं नहीं, आसपास के सारे लोग इनकी पर्सनालिटी की तारीफ़ करते थे। ऑल दो इनका कैरेक्टर जो है वो बैक में छुपा था, बैकड्रॉप कह लो उसको, बैकग्राउंड कह लो उसको, उसमें था, लेकिन फिर भी ड्यू टू पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्शन जी। तो इसी ड्रामे में राहुल जो कि इनके बेटे का किरदार अदा कर रहे हैं, छोटा सा 8-9 साल का बच्चा दिखाया है उसको, लेकिन यार तुम लोगों को यकीन आए कि नहीं आए कि खाली उस ज़माने में बड़ों के नहीं बच्चों के भी क्रश होते थे दूसरे बच्चे, और राहुल वही बच्चा था, और मेरा भी क्रश था, मुझे बचपन में राहुल बड़ा पसंद आता था। मैं कहती थी कि यार काश इस तरह का कोई बच्चा मेरे स्कूल में पढ़े, काश कोई जो है इससे मिलता जुलता ही सही मेरे स्कूल में तो आए, मेरे बराबर में बड़े अजीब अजीब से लड़के बैठे होते थे स्कूल में। तो मैं जो हूँ बचपन में, मयंक टंडन नाम है इनका, तो मैं इनके बारे में ये सोचा करती थी कि जो है ना मुझे राहुल जैसा कोई दोस्त मिल जाए मेरे स्कूल में, मेरे मोहल्ले में कहीं भी, लेकिन वो नहीं मिला। तो डेफिनेटली वो तो क्रश है, तो क्रश के बारे में बंदा कहीं भी अनलिमिटेड कुछ भी सोच सकता है, बचपन की बात तो फिर होती भी निराली है।
और मेरे साथ मेरी जो दोस्तें पढ़ती थी, मेरी जो दोस्तें खेलती थी, जो मेरे मोहल्ले के आस पड़ोस की जो लड़कियां थी, जो मेरी दोस्तें, वो भी ये कहती थी कि भाई राहुल की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव है, जो है ना हमें भी ऐसा ही कोई दोस्त मिल जाए, कोई ऐसा जो कि हमारे ख़ानदान में हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। तो राहुल एंड राहुल की मम्मा जो करिश्मा के जो मेन क्रश थे, जो मेरे आस पास के लोगों के थे, उनके बारे में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि ये दोनों जो है ना काफ़ी मेरे सराउंडिंग में मेरा और मेरे आसपास के लोगों का क्रश थे, राहुल एंड शीतल, राहुल की मम्मा। हाँ जी, तो बच्चों वाले क्रश की बात अगर मैं करूँ जी, तो बच्चों वाले क्रश की बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। माय नेक्स्ट टारगेटेड ड्रामा इज़ जस्ट मोहब्बत। और जस्ट मोहब्बत कहाँ से आता था? सब टीवी आता था उस ज़माने में, आई गेस सब टीवी क्या था, वो एस लिखा होता था चैनल पे, अगर मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट में बताना, प्लीज़ मेरी भी हेल्प करो। मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों के लिए गूगल से निकाली, इतनी सारी यादें शेयर करी, तो थोड़ा सा मेरा भी जो है साथ दो और मुझे बताओ कि ये जस्ट मोहब्बत का जो ड्रामा है ये कौन से चैनल से ऑन ईयर होता था, इस ज़माने का साल जब मुझे मिला है वो 1996 से 2000 तक ये ड्रामा ऑन ईयर रहा है। और जस्ट मोहब्बत में एक ही क्रश था जो कि सबका था, द हीरो ऑफ द ड्रामा जय, जिसका असली नाम हर्ष लोनिया है। अब तो ये खैर बड़े हो गए तो चेंज हो गए हैं, लेकिन उस ज़माने में ये जो क्यूट थे और जो प्यारी सी इनकी प्यारी प्यारी सी आंखें थी, जो छोटा सा इनका मुंह था और जो बीच से मांग निकाल कर इनका जो अंदाज था और जो हेयर स्टाइल था इनका, उसके हम सब लोग फैन थे, बहुत सारी लड़कियां दीवानी थी। मैं खैर इतनी ज़्यादा तो नहीं थी। और जस्ट मोहब्बत में जय को बड़ा करके भी दिखाया गया है, और लेकिन जो है ना वो इतना अट्रैक्शन मुझे नहीं लगी, ना मुझे आसपास के लोगों में इतने फ़ैन मिले हैं उस चीज़ के। लेकिन जो बचपन वाला जय था, जिसने जस्ट मोहब्बत ड्रामे को एक पहचान दी थी, इस ड्रामे की स्टोरी भी इवन मैं भूल चुकी हूँ, मुझे जो याद है ना वो जस्ट मोहब्बत के कैरेक्टर्स याद हैं, और ये भी याद है कि वो अभी भी जो है इंडस्ट्री में पाए जाते हैं, बड़े हो गए हैं ड्रामास में और जो है ना शोज़ में, फिल्मों में भी इवन पाए जाते होंगे, मैंने इतना याद नहीं करा चीज़ को। लेकिन जो जय का किरदार है वो बहुत ही, मतलब ये जो बच्चा है ना, जो हीरो पर्सनैलिटी वाले बच्चा जिसको कहते हैं ना, ये वो बच्चा हुआ करता था। और जो है इसकी आज भी तस्वीरें देखी मैंने गूगल पे, और यहाँ पर लगाऊंगी भी तो देख लेना, इसकी पर्सनैलिटी देखकर जो है ना दिमाग एकदम से जो है ना इसकी तरफ जो है ना ऐसे करके हो जाता है कि हाँ कुछ दम है पर्सनैलिटी में, तो ये वो बच्चा था। और जो है ना इसको बिल्कुल सही चूज़ किया था, हीरो कैरेक्टर के लिए ही बना है ये बच्चा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली नंबर वन, किस किस को पसंद है? मुझे मेरी बहन को बहुत पसंद है, हम लोग दीवाने हैं, मुझसे ज़्यादा तो वो इसकी भाई फैन होती थी, इस पूरे ड्रामे की, इस कहानी की, बात यहाँ पे कहानी की नहीं करेक्टर्स की, और उसमें जो है ना अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाले क्रश बन जाने वाले करेक्टर्स अगर मैं शेयर करूँ तो फैमिली नंबर वन से जो है दीपक मल्होत्रा, जो कि ड्रामे में पूरी फैमिली की जो है ना वो सरबरा का किरदार अदा कर रहे थे। और दीपक मल्होत्रा मेरे बहुत क्रश थे उस ज़माने में भी, ज़ाहिर पर्सनैलिटी और उम्र दिखाई है इनकी, लेकिन क्योंकि यंग होते थे ये, मैं तो बहुत ही छोटी होती थी, लेकिन उस एज गैप के बाद भी ही वॉज़ वन ऑफ माई क्रश। मेरी छोटी छोटी सी जो आसपास की लड़कियां होती थी उनका भी क्रश, क्यों ये नहीं पता किसी को, मे बी ड्यू टू पर्सनैलिटी, मे बी ड्यू टू हाइट, मे बी ड्यू टू द चार्मिंग, द स्टाइलिंग ऑफ क्लोथ्स, मे बी क्या था ये नहीं पता, बट ये याद है कि हाँ दीपक मल्होत्रा का जो किरदार जो कमलजीत सिंह ने अदा किया है वो जो है ना हम लोग उसके फैन थे, उसके दीवाने थे, उसके क्रश थे, जो चाहो बोल दो। और इसी में इनकी बेटी का किरदार अदा कर रही थी, जिस कैरेक्टर का नाम था रश्मि मल्होत्रा, रश्मि का कैरेक्टर अदा किया है अपर्णा तिलक ने, एंड अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया पे मुझे नहीं मिला, मुझे किसी और वेबसाइट से मिला, तो जिसके अकॉर्डिंग जो है इनकी एज 46 है। और अपर्णा तिलक जो है और भी काफ़ी ड्रामों में, और जो कमलजीत सिंह हैं वो भी काफ़ी ड्रामों में नज़र आए हैं और नज़र आते भी हैं। और जो है अपर्णा तिलक को जो है ना ज़्यादातर इसमें रश्मि मल्होत्रा का जो करेक्टर अदा करी उन्हें दिखाया गया है कि वो जो है ना उन्हें मेकअप से बहुत लगाव है, वो मेकअप रूम बना लेती हैं अपना घर में, लेकिन जो दूसरी फैमिली है ना एक आंटी और उनके बच्चे, वो इसमें किराएदार आ जाते हैं और वो उनका मेकअप रूम खाली करा देते हैं, और दोनों जो है ना घरों में जंग छिड़ जाती है, और फिर एंड में दोनों की यानी कि अंकल की यानी कि दीपक मल्होत्रा की जो है ना उन आंटी से शादी हो जाती है और ये एक हैप्पी फैमिली बन जाती है। और इसके बीच में काफ़ी जो है ना नोक चोक होती है, घर का बंटवारा होता है, रस्सी बांध देते हैं, लेकिन जो है ना काफ़ी जो है ना इंटरटेनिंग शो है। आप लोगों को मिले तो ज़रूर इसको जो है ना खुद भी देखना, और मुझे भी इसका लिंक ज़रूर कमेंट में शेयर करना। तो जो है ना काफ़ी
इन दोनों की पर्सनालिटी में ऐसी चार्मिंग दिखाई है ना कि सबके बच्चे बूढ़े जवान लड़कियां लड़के सबके जो है ना मिक्स क्रश हैं ये दोनों, और जो हैं आपके क्रश हैं कि नहीं ये ज़रूर बताइएगा। ओके, तो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कुछ अलग कुछ अच्छी लगी होगी, जिसकी बिना पर मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। और मुझे ज़रूर कमेंट्स में ये बताना कि आपका क्रश कौन था 90s के इंडियन के शोज में से, 90s के एरा में से कौन सा ड्रामा, कौन सी फिल्म, कौन सा सुपर हीरो, कौन से ड्रामे का हीरो, कौन सी ड्रामे की हीरोइन आपकी पसंदीदा थी, जिस पे आप मर मिटे थे, जिस पे आपको लगता था कि हाँ ये हमारा क्रश है, हमारा आइडियल है, बड़े हो गए इसी से शादी करनी है या फिर इसी से दोस्ती करनी है, काश ये हमारे स्कूल में हमें कहीं मिल जाए, इस तरह के जो पागलपन की चीज़ें हैं क्या हम ही लोग सिर्फ सोचते थे या फिर आप भी सोचते थे, मुझे ज़रूर बताना। बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो कि अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है, राजीव खंडेलवाल, सुजल, कशिश, प्रेरणा, अनुराग वगैरह वगैरह, इन सब की लिस्ट है। मुझे बताना कि आप लोग किसके बारे में सुनना चाहते हो, कौन आपका क्रश है उसके बारे में मुझे बताओ, तो मैं उसके ऊपर भी व्लॉग बना सकती हूँ, बता सकती हूँ कि वो मेरे आसपास में किसको ज़्यादा पसंद था, कौन सी आंटी को पसंद था, कौन से अंकल को पसंद था, या फिर किसी को भी नहीं पसंद था। लेकिन कमेंट में मुझे ज़रूर अपनी थॉट्स शेयर करो, मैं बहुत बेसब्री से तुम लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे वीडियो पे इतने सारे व्यूज़ देते हो, खासतौर पे 90s की वीडियो पे, तो उसके लिए लव यू ऑल गाइस। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना, लाइक करना, और मुझे कमेंट करके अपने व्यूज़, अपने 90s की मेमोरीज़ को शेयर ज़रूर करना। अगले व्लॉग में दोबारा तुम लोगों से मुलाकात करने ज़रूर आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ, मुझे व्लॉग एडिट करना है, काफ़ी वीडियोस बन गई हैं, मोबाइल 3 दफ़ा मैंने खाली कर दिया और अभी भी ये भी खाली करना पड़ेगा, तो मैं इसको जल्दी से एडिट कर दूँ और आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूँ। और फिर इसके बाद में जब बेचैनी से इंतज़ार होगा आप लोगों की हाज़िरी, आप लोगों की अटेंडेंस, आप लोगों के व्यूज़, आप लोगों की सब्सक्राइब करने की जो तकलीफ़ होगी उसके लिए माजरत, लेकिन प्लीज़ थोड़ी सी तकलीफ़ उठा लेना, 90s के शोज़ की खातिर ही उठा लेना, लेकिन ज़रूर उठा लेना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।